ये देखिए दोस्तों, ये एक लोकल एलईडी का 24 इंच का कार्ड है। ये देखिए इसमें के प्रॉब्लम है, देखिए बार बार जो स्टैंड पे ये बाइक का एलईडी इंडिकेटर है वैसे ट्रिपिंग कर रहा है। पहले हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, पहले आपको सप्लाई दिखाते हैं सप्लाई में इसमें क्या डिफेक्ट पड़ रहा है। देखिए जब ये मेन सप्लाई जो 12 वोल्ट है वो इस तरह से कर रही है, देखिए 2 वोल्ट से 8 वोल्ट 9 वोल्ट के बीच में ट्रिपिंग कर रही है। पहले मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, हमने ये जो डबल डाइड है देखिए ये निकाल दिया था, ये चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम निकल गया है। देखिए बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, ये एक इलेक्ट्रीशियन सॉरी टेक्नीशियन का है जिन्होंने हमारे पास रिपेयर के लिए भेजा है। देखिए अभी हम इसको देख रहे हैं, अभी हमको प्रॉब्लम नहीं मिला, देखते हैं इसमें। ये प्रॉब्लम पहले मैंने निकाला था लेकिन अभी भी ये डालने से भी डबल जो डायड है 12 वोल्ट आउटपुट के लिए वो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अभी हम इस पर वर्क करें, देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलता है, आपको इसके बारे में शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए हमको ये प्रॉब्लम मिल चुका है, आपको एक बार चला के दिखा देते हैं। ये देखिए जो एलईडी जो हमारा स्टैंड बैक का एलईडी सिग्नल था वो ब्लिंक कर रहा था, अभी वो फ्रीज हो चुका है, ये देखिए। और जो हमारा सप्लाई नहीं बना था वो भी बन गया है, देखिए ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट के आसपास, 12 वोल्ट नेट प्रॉपर ही है, 12 वोल्ट बिल्कुल मिल चुका है। और हमारा जो एलईडी का जो हमारा मदरबोर्ड था वो ओके हो चुका है और प्रॉपर जो सभी सप्लाई वर्क कर रही है। अभी हम इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए देखिए आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा, ये देखिए ऑन हो चुका है, बिल्कुल ओके है। और अब हम बताते हैं इसका प्रॉब्लम में, कई बार कुछ टेक्नीशियन जो नए नए हैं वो उलझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम पता नहीं कौन सी सप्लाई का है। कुछ सोचते हैं आउटपुट में शॉर्टिंग है, लगता भी ऐसे जैसे कोई आउटपुट में शॉर्टिंग है लगता है, जैसे साउंड ऐसे उठ जाता है तो कई बार शॉर्टिंग हो जाता है, उसकी वजह से भी सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। कुछ टेक्नीशियन को प्रॉब्लम हो जाता है इसमें समझने में, जैसे हमारे पास आया है वो भी इसमें उलझ गए थे, लेकिन ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको इसमें फॉल्ट में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला है। और देखिए जैसे ये हमारा सबसे पहला काम है इस प्रॉब्लम में, यदि आपका भी एलईडी सिग्नल है जो सप्लाई के ब्लिंक कर रहा है, सबसे पहले मेन फिल्टर चेक कीजिए, सबसे पहले मेन फिल्टर और उसके बाद और कुछ भी नहीं देखना। सबसे पहले आपको जो डबल डायोड मैंने शुरू में बताया था, सबसे मेन प्रॉब्लम इसी का होता है 99%। ये देखिए इसमें निशान भी दे रखा है, ये देखिए डबल डायोड का, ये दोनों साइड से हमारे जो ये लगा है SMP इस पे से इनपुट लेगा और सेंटर में ये आउटपुट करेगा 12 वोल्ट। ये किसी भी अलग से मॉडल से में हर में लगा, हर एक में लगा होता है, ये किसी भी अदर जो ओल्ड हमारा मदरबोर्ड है उसमें निकाल के आप डाल सकते हैं। और हमारा इसके साथ थोड़ा सा ब्लिंकिंग कर रहा था, कभी चल भी जाता था, हमारा इसका जो प्रॉब्लम हमारा निकला ये देखिए इनका फिल्टर वीक है साथ में, पर ये कम चांस है, जिसका चांस है सिर्फ 1 या 2% चांस है साथ ही फ़िल्टर वीक हो। सबसे फर्स्ट आपका प्रॉब्लम इसी डबल डायल से डालने से आपका निकल जाएगा। तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो था। हमने वीडियो इसलिए शूट किया ताकि इस प्रॉब्लम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, और हमने इस प्रॉब्लम को आसानी से निकाला, कुछ टाइम हमको लगा लेकिन हमको फॉल्ट पहले मैंने निकाला था, लेकिन आज हमको इसके साथ में फ़िल्टर भी डालना पड़ा और हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।